और दिल्ली के सीएम ने पराली जलाने के लिए हरियाणा को जिम्मेदार ठहराया तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि दिल्ली की सीएम आतिशी ने कभी पराली देखी भी नहीं होगी और पराली के बारे में वो जानती भी नहीं होगी। पराली के बारे में जिस तरह से वो बयानबाजी कर रही हैं, पहले वो किसानों से मिलें, किसानों के खेत में जाकर पराली देखें और उसके बाद बयानबाजी करें। आतिशी को मैं क्या कहूँ, उसको पराली तो देखी भी नहीं होगी, उसने पराली के बारे में वो जानती भी नहीं होगी। और प्राणी के बारे में जिस प्रकार की वो बयानबाजी करते हैं, पहले वो किसान से मिलें, किसान के खेत में देखें प्राणी उत्पन्न कैसे होती है और प्राणी प्रयोग में कैसे आती है। जो किसान का नाम लेके और प्राणी का नाम लेके और प्रदूषण को कम करने की जो व्यवस्थाएं करनी चाहिए उस जिम्मेवारी से भागते हैं और किसान के नाम का सहारा लेते हैं। आज हमारे देश का किसान बहुत जागरूक हुआ है, हमारे देश का किसान देशभक्त है, हमारे देश का किसान पर्यावरण प्रेमी है, हमारे देश का किसान जहां अन्न के द्वारा अन्न उत्पादन करके लोगों के पेट भरने की व्यवस्था करता है, वहां वो पर्यावरण की भी सुरक्षा और रक्षा करने का काम करता है। आज हमारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किसानों को इतना जागरूक किया गया है, उनको ऐसे साधन उपलब्ध करवाए गए हैं कि वो पराली ना जलाए, पराली प्रबंधन की व्यवस्था की गई है और आज पराली एक एकड़ की पराली भी 7,000 से 10,000 रुपये में बिकती है। कौन किसान चाहेगा कि मैं अपना नुकसान करूं, लेकिन इस प्रकार की बयानबाजी किसान का नाम लेके ना करें। और कुरुक्षेत्र में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने सदस्यता अभियान के बारे में जानकारी दी। बड़ौली ने बिना नाम लिए विपक्षी दलों पर तंज कसते हुए कहा कि किसान, जवान और पहलवान के नाम पर राजनीति बंद की जानी चाहिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी पर निशाना साधते हुए बड़ौली ने कहा कि हरियाणा का किसान प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करता और प्रदूषण के मामले में अन्य राज्यों से बेहतर है। उन्होंने ये भी स्पष्ट करते हुए कहा कि हरियाणा में किसानों के खिलाफ कोई भी जुर्माना या FIR का प्रावधान नहीं है। कुछ पार्टियां राजनीति करती हैं, कभी किसान के नाम पर, कभी जवान के नाम पर, कभी पहलवान के नाम पर। जब से हमारी सरकार बनी है हमने किसानों को भी सम्मान देने का काम किया है। किसान सम्मान निधि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है और देश के जवानों को भी सम्मान दिया है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जवान को चाहे खाने की चीजें हो, चाहे उनके वर्दी का मामला हो, चाहे उनके जूते हो, चाहे उनकी सेफ्टी के लिए कोई भी हथियार, सब प्रकार की सुविधा हमने जवानों को देने का काम किया है। जो अग्निवीर की भी योजना हमारी सरकार लेके आई है वो सोशल सिक्योरिटी के माध्यम से बहुत लाभकारी है, देश के नौजवानों को रोजगार देने वाली है। उसके बारे में भी उन्होंने राजनीति करने का प्रयास किया है और देश के पहलवानों को भी लेकर जो उन्होंने आंदोलन किया था उसका आपने देखा होगा। जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से है, देश में मेडलों की संख्या बढ़ी है, हमने खिलाड़ियों का सम्मान किया है, खिलाड़ियों को सम्मानजनक ढंग से विदेश में भेजने का काम